अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है करप्शन। करप्शन है क्या, पाकिस्तान में करप्शन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करप्शन का मतलब क्या है। करप्शन का मतलब है बदउनवानी। बदउनवानी करप्शन किस तरह की जाती है, करप्शन का हल कौन से, इसमें मुलव्वस हैं अदारे, और सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। करप्शन का मतलब है बदअनवानी। ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए भी की जा सकती है, अपने इख्तियारात से नजायज़ काम करवाने के लिए भी की जा सकती है। नजायज़ फ़ायदा उठाने का नाम भी करप्शन है। इसमें कौन कौन से अदारे मुलव्वस हैं, सियासी अदारे भी मुलव्वस हैं, हकूमती सरबराहान भी मुलव्वस हैं, मामूली दर्जे के मुलाज़िम भी मुलव्वस हैं, हल्का के छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े सदर तक हर अदारे के सरबराह और हर अदारे के मुलाजम इसमें मुलव्वस हैं। सियासी अदारे कैसे मुलव्वस हैं, सियासी अदारे इंतखाबात के वक्त के दौरान इंतखाबात के मौका पर वोट खरीदे जाते हैं जो कि करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं। और उसके बाद हुकूमती सरबराहान कैसे मुलव्वस हैं, अच्छे ओहदे दिए जाते हैं और खसूसी मराद की पेशकश की जाती है, ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आती है। छोटे से काम के लिए भी रिश्वत दी जाती है। इस तरह मामूली दर्जे के मुलाजम भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा हम इंतखाबात की आज़ादी में मुदाखलत करना भी करप्शन के ज़ुमरे में ही आता है। करप्शन के ज़िम्मे में कैसे कैसे कौन कौन से किस तरह कौन से अदारे मुलव्वस हैं, सरकारी वाजबात ना अदा करना भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। बैंकों से कर्जे ले लेना और फिर कर्जे बाद में माफ़ करवा लेना, ये काम भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल और टेलीफोन का बिल ना अदा करना और इनके वाजबात ना अदा करना, ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। मुल्क की माशियत को कमज़ोर करना, ये भी करप्शन ही है। करप्शन एक नाकाबले इलाज बीमारी है। वजूहात इसकी वजूहात क्या है, ये हकीकी जो इसकी वजह है वो है अमीर बनने की है। पहले कहा जाता था कि सिर्फ एक अदारा पुलिस वही करप्ट है, लेकिन आज के मौजूदा दौर में हर अदारा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो जो मर्जी अदारा हो, सरकारी अदारे से लेकर गैर सरकारी अदारे तक, हर अदारे के मुलाजम सरबराहान इसमें मुलव्वस हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेन की टिकट करवाने जाता है, क्योंकि आजकल इंतहाई मसरूफ़ तरीन वक्त है, हर बंदे के पास शॉर्ट टाइम वक्त है, मसरूफ़ वक्त है हर बंदे का। और जब वो ट्रेन की टिकट करवाने जाता है तो वो उधर जाके उसे पता चलता है कि आज की तो टिकट अवेलेबल नहीं है, 20 दिन बाद वो उसे कहते हैं कि 20 दिन बाद अवेलेबल है। जब वो थोड़े से वो पैसे या थोड़ा सा वो उन्हें कुछ अदा करता है या किसी की सिफारिश दिलवाता है या किसी या रिश्वत देता है, वो उसकी उस बंदे की उसी टाइम उसी रात की जिस टाइम उसने जाना होता है उसी टाइम की टिकट कर देते हैं। ये तो सिर्फ एक अदारे की मैंने आपको एग्जांपल दी है जो कि रेलवे है, ठीक है। इसी तरह आप लगा लें बाकी अदारों में, अगर कानून नाफिज करने वालों अदारों के पास अगर गलती से हमें कोई काम पड़ जाए तो उधर भी काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। और इसी तरह सात मुल्कों में बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं इस करप्शन में, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान भी उस 7 मुल्कों में शामिल होता है जिधर बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे काम हैं, हमने कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास भी जाना होता है बहुत, और डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी होती है। छोटे मुलाजमों से लेकर बड़े अदारे के बड़े सरबराहान तक बग़ैर रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। हल इसका क्या है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसका हल ये है, इसको जड़ से हलाने के लिए हमें सियासी, सामाजिक और मुआशी निज़ाम हमारा टोटल तब्दील करना ज़रूरी है।
अगर हम इसको अपना सियासी, समाजी और माशी निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे तो हमारे इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। इसका हल एंटी करप्शन के, इसका हल जो मेन हल जो इसका ये है, इसके एंटी करप्शन जो इसका महकमा है, इसमें जो भर्तियां की जाती हैं, उसमें से जो बंदे भर्ती किए जाते हैं उनका एक मलहूसे खातर रखना चाहिए। भर्ती करते वक्त एक चीज़ मलहूसे खातर रखनी चाहिए कि उन बंदों का तल्लुक जो अदारे एंटी करप्शन के सरबराह हैं या मुलाजिम हैं, उनके किसी बंदे का तल्लुक सियासी जमात से ना हो, उनका किसी वाबस्तगी ना हो, किसी चीज़ से सियासी जमात से वाबस्तगी ना हो, और इसके अलावा उनके वो मुअज्जज शख्सियात हों, और ऐसे बंदे भर्ती किए जाएँ जो पाकिस्तान हमारे मुल्क के नाम को रोशन करें और हमारे मुल्क के लिए काम करें, ना कि अपने लिए काम करें बल्कि अदारे के लिए काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।